वैसे तो सर मुझे आपसे 4 क्वेश्चंस पूछने हैं। सर पहला सवाल मेरा ये है आपसे कि सर अगर किसी इंसान पर, सर स्पेशली किसी लड़की पर, सर उसके पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो तो सर कैसे वो अपने खुद के फ्यूचर पे फोकस करे? जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है हमारे ऊपर तो हम पहले से स्ट्रांग ही होते हैं। जैसे हमें कई बार लगता है कि यार ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई हमारे लिए अच्छी नहीं है, लेकिन सोचो अगर आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती तो क्या आप इतना अचीव कर पाते जितना अभी तक आपने अचीव किया अपनी लाइफ में? बिल्कुल। तो आप ये समझिए कि जब रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर आती है तो क्या होता है, हम अपनी लिमिट्स को पुश करते हैं। हम ऐसा ऐसा कुछ करते हैं जो हम नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में शायद नहीं करते। शायद आप मोबाइल पर बैठ करके कहीं टाइम पास कर रहे होते, आज आप एक अपने बेस पर आप एक काम कर रहे हैं, खुद को ही नहीं सिर्फ अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर रहे हैं। ये याद रखना है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बुरी नहीं होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी होती है, और यंग एज में आ जाए तो बहुत ही बढ़िया है। वो कई बार हमको लगता है कि नहीं हमारे लिए बुरी है, बट एक्चुअल में अच्छी होती है लॉन्ग टर्म में। और बताइए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? हाँ सर, मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है आपसे कि सर कर्ज लेकर के शादी करना सर क्या सही है, जैसा कि सर इंडिया में होता चला आ रहा है? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये सही हो कैसे सकता है, ये तो बेवकूफ़ी है। और स्पेशली कर्ज लेकर के शादी करना मतलब क्या कि आपकी कैपेसिटी नहीं है उतना स्पेंड करने की, फिर आप लोन ले रहे हो और किसी की शादी के लिए और दिखावे के लिए। किसको दिखाना है और क्यों दिखाना है? इससे बेटर है कि आप कोर्ट मैरिज करो। लेकिन कर्ज लेना सिर्फ शादी के लिए ही नहीं, किसी भी चीज़ के लिए कर्ज लेना सही नहीं है अगर आप उस कर्ज को चुका नहीं सकते हो, क्योंकि फिर आदमी चारों तरफ से फंस जाता है, फिर वो कुछ नहीं कर पाता है। हाँ अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बट शादी के ऊपर स्पेंड करना अननेसेसरी, जिनकी कैपेसिटी नहीं है। देखो कुछ लोग हैं जिनके पास में एक्सेस पैसा है तो उनको तो भाई शो ऑफ करना है, ये है वो, उनके लिए शादी का दूसरा मतलब क्या है कि दिखावा, कि दिखाना है दुनिया को, राइट? बिल्कुल सर। बट अगर आपकी जेब में पैसा नहीं है और आप अननेसेसरी शादी में पैसा लगा रहे हो तो ये समझदारी नहीं है, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। ऐसे लड़के से शादी करना भी बेवकूफ़ी है, क्योंकि वो लड़का आज अगर पैसे के लिए आपसे शादी कर रहा है तो कल पता नहीं वो क्या करेगा। जिसके माइंड में थोड़ा सा भी ये थॉट चल रहा हो कि मुझे कितना मिलेगा डाउरी के नाम पे, दहेज के नाम पे, या किसी भी तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर उस लड़के के माइंड में थॉट भी है पैसे का, तो ऐसे लड़के से जितना हो सके दूर ही रहो। जो लड़का आपसे प्यार करता है और आपसे शादी कर रहा है आपके लिए, क्योंकि उसको लगता है कि आप और वो मिल करके एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर उसको पैसे से भी कोई मतलब नहीं है। वो तो फिर चाहे आप कोर्ट मैरिज करो, चाहे कैसे भी करो, किसी मंदिर में थोड़े से फेरे लगा लिए, हो गया काम खत्म। उसके लिए दिखावा करने की क्या जरूरत है, भीड़ इकट्ठी करने की क्या जरूरत है? यस सर, मेरे भी यही थिंकिंग है कि कोर्ट मैरिज होनी चाहिए, लेकिन सर जैसे मेरी यंगर सिस्टर है, यंगर ब्रदर है, तो सर मैं उनके लिए भी सोचती हूँ कि चलो मैं तो कोर्ट मैरिज करके सर मैं खुश रह लूंगी, लेकिन क्या उनके लिए भी ऐसे ही सही है? जब आप खुद कोर्ट मैरिज करेंगे तो आप एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं उनके लिए भी, तो उनको भी करने में क्या दिक्कत है? अगर आप लोग फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं कर सकते तो अननेसेसरी अपने ऊपर प्रेशर क्रिएट क्यों करना है? देखो एक चीज हमेशा याद रखना, किसी को प्यार करने का मतलब ये नहीं होता है कि हम उनकी सारी ख्वाहिशें पूरी करें। Yes, sir, that's true. मतलब किसी को अपने ऊपर डिपेंड कर देना, ये नहीं है प्यार का असली मतलब। प्यार का मतलब ये है कि उनकी अपनी लाइफ है और उनकी अपनी जो स्ट्रगल्स हैं वो उनको खुद उससे बाहर आना है, खुद उनको देखना है। ये नहीं कि पूरा का पूरा बर्डन उठा करके आप पे डाल दिया, क्योंकि आपके पहले क्वेश्चन से मैं थोड़ा सा आइडिया लगा पा रहा हूँ कि एग्जैक्टली सिचुएशन क्या चल रही है, तो उसके बेसिस पे मैं ये बात कह रहा हूँ। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, उसको आप देखना, थोड़ा समझने की कोशिश करना। एक बार क्या होता है, एक बटरफ्लाई अपने उससे बाहर निकल रही होती है, अपने कोकून से बाहर निकल रही होती है, तो एक आदमी वहां पर देखता है तो उसको देख करके उस बटरफ्लाई पर तरस आ जाता है। वो कहता है कि यार ये बेचारी इतनी कोशिश कर रही है, निकल नहीं पा रही है, तो क्यों ना मैं इसकी थोड़ी सी मदद कर दूं। तो वो क्या करता है, उसको फाड़ देता है जिससे कि वो आराम से बाहर निकल सके। तो बटरफ्लाई बाहर तो निकल जाती है लेकिन वो जिंदगी भर उड़ नहीं पाती है, क्योंकि उसकी जो बॉडी है वो सूज जाती है और उसके विंग्स छोटे रह जाते हैं, उसके विंग्स में इतनी पावर नहीं होती कि वो उड़ सके। तो बेसिकली क्या होता है कि वो जो बटरफ्लाई स्ट्रगल कर रही थी वो उसकी अपनी स्ट्रगल थी, वो स्ट्रगल उसके लिए जरूरी थी जिससे कि जब वो फड़फड़ाती या फिर वो एफर्ट लगाती तो वो सारा जो फ्लूइड था वो उसकी बॉडी में से निकल करके उसके विंग्स में चला जाता और फिर वो उसको तोड़ करके, उसमें इतनी पावर आती कि वो उस कोकून को तोड़ करके उसमें से बाहर निकल पाती और उड़ पाती। लेकिन इस पॉसिबिलिटी को ही उस आदमी ने खराब कर दिया जिसको उस बटरफ्लाई पर तरस आ गया।
तो कभी भी किसी के लिए हमको इतना नहीं करना चाहिए कि उनकी लाइफ ही खराब हो जाए या फिर वो खुद कुछ ना कर पाए। आपको एक लेवल तक ही सामने वाले को सपोर्ट करना चाहिए, उसके बियॉन्ड अगर हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं तो वो उनके लिए अच्छा नहीं है, उनके लिए बुरा है, क्योंकि हमने उनको डिपेंड कर दिया है अपने ऊपर। हम उनका फायदा नहीं कर रहे, उनका नुकसान कर रहे हैं। बिल्कुल सही। जैसे हमने स्ट्रगल करी है, जैसे आपने स्ट्रगल करी है, वैसे ही आपके भाई बहनों को भी स्ट्रगल करनी ही पड़ेगी अगर उनको लाइफ में कुछ अचीव करना है तो। ये उनको क्लियर होना चाहिए, ये नहीं कि आप ही उनका पूरा का पूरा भार उठाओ पूरी जिंदगी के लिए, ये अच्छा नहीं है उनके लिए। दिस इज नॉट गुड फॉर देम, दिस इज नॉट गुड फॉर यू। मेरी इस बात को मैंने इशारे में कहा है, लेकिन हो सके तो आप समझिएगा और अपनी लाइफ से रिलेट करिएगा। कुछ आइडिया मिला आपको मेरी इस बात से, कुछ कनेक्ट किया आपने? हाँ जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, स्पष्ट हो गया, क्लियर हो गया सर। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। अब बताइए आपका तीसरा क्वेश्चन क्या है। आपने पूरी क्वेश्चंस की दुकान खोल ली है। हाँ तो सर, मेरा तीसरा क्वेश्चन ये आपसे कि सर, जैसे सब कहते हैं कि हार्डवर्क कीजिए, हार्डवर्क कीजिए, जैसे सर बुक्स में भी लिखा है कि हार्डवर्क इज द की टू सक्सेस, है ना, हार्डवर्क करेंगे तभी सक्सेस मिलेगी। तो सर मैं कंपनी में सर 12-12, 13-13 घंटा जॉब करती हूँ सर। वीकेंड्स में सर मैं बच्चों को ट्यूशंस भी दे रही हूँ और सर एक छोटा सा यूट्यूब चैनल भी चला रही हूँ। तो सर क्या ये हार्डवर्क है? क्या होता है सर हकीकत में हार्डवर्क? देखो ध्यान से समझना, हार्डवर्क मस्ट ऑलवेज बी देयर इन द राइट डायरेक्शन। सिर्फ हार्डवर्क से कुछ नहीं होता। जैसे एक रिक्शे वाला है, वो बहुत हार्डवर्क करता है, दिन में 12-12 घंटे, 13-13 घंटे रिक्शा चलाता है, लेकिन एंड में उसको क्या मिलता है? कुछ रुपए मिलते हैं, जिससे कि बहुत ही मुश्किल से उसका और उसकी फैमिली का गुजारा हो पाता है। तो सिर्फ हार्डवर्क से कुछ नहीं होता है, हार्डवर्क मस्ट बी इन द राइट डायरेक्शन, दैट मीन्स इट मस्ट बी स्मार्ट वर्क। कि आपको समझ आना चाहिए जो भी आप कर रहे हो उसके हिसाब से आउटकम आ रहा है या नहीं आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक कंपनी में 12 घंटे काम कर रहे हो तो 8 घंटे की एक शिफ्ट होती है ऑफिशियली, तो क्या 4 घंटे का आपको ओवरटाइम मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? अगर तो मिल रहा है तो ठीक है, अगर नहीं मिल रहा है तो आइडियली आपको उस कंपनी को छोड़ के किसी और कंपनी को ज्वाइन करना चाहिए जहां पे कि आपके हार्डवर्क की सही वैल्यू करी जा सके। यस सर। आप कह रहे हो कि मैं एक यूट्यूब चैनल भी चला रही हूँ, वो यूट्यूब चैनल ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा है? मानो आपने वीडियोस तो 1000 डाल दी और सब्सक्राइबर्स आपके हैं 100, तो दैट मींस कि आप हार्डवर्क सही डायरेक्शन में नहीं कर रहे हो। तो आपको ये भी देखना है कि जहां पर मैं मेहनत कर रही हूं, जिस डायरेक्शन में कर रही हूं, वहां से मुझे रिजल्ट मिल भी रहा है जितना मिलना चाहिए या नहीं मिल रहा है। अगर इसको ध्यान में रख करके आप प्रॉपर तरीके से मेहनत कर रहे हो तो दैट इज कॉल्ड स्मार्ट वर्क, दैट इज नॉट हार्ड वर्क। और बताइए क्या है लास्ट क्वेश्चन आपका? सर मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है आपसे कि सर सभी की लाइफ में गुड डेज भी होते हैं सर, बैड डेज भी होते हैं सर, सभी के लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं सर, आपकी भी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती होंगी अफकोर्स। तो सर आप सर हमेशा हैप्पी रहते हो, मोटिवेटेड रहते हो, लोगों को मोटिवेट करते हो, तो सर कैसे, सर क्या राज है? नहीं नहीं, पहले तो इस जो बात आपने कही उस बात को ठीक करो। आपको कैसे पता कि मैं हमेशा हैप्पी रहता हूँ? आपको कैसे पता? आपने क्या मेरे घर में कैमराज लगाए हुए हैं? हाउ डू यू नो दैट? वीडियो में तो आपने मुझे देखा है। जी सर। तो इस मिसकंसेप्शन को पहले तो ठीक करो। चाहे मैं हूं चाहे कोई भी है, कभी भी आपके माइंड में ये थॉट नहीं आना चाहिए कि ये जो पर्सन है ये तो हमेशा खुश रहता है। ऐसे अजम्पशंस नहीं बनाने हैं, ये सब गलत है। जैसे आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन आते हैं ऐसे ही मेरी लाइफ में आते हैं, जैसे आपकी लाइफ में मूड स्विंग्स होते हैं ऐसे ही मेरी लाइफ में होते हैं, जैसे आपकी लाइफ में कुछ उल्टे थॉट्स आते हैं मेरी लाइफ में भी आते हैं। बट फर्क क्या होता है कि कौन कितनी जल्दी उससे बाहर आ सकता है, बस इतना सा फर्क होता है। कभी यह मत समझ लेना कि कोई भी ऐसा इंसान है जिसकी लाइफ में अप्स एंड डाउन नहीं आते हैं या सुख दुख नहीं आता है, हमेशा सुखी सुख होता है, वो झूठ होता है, वो झूठा है वो इंसान, अगर वो कोई ऐसा कह रहा है आपको। तो आप इस बात को ध्यान से समझना जो बात मैं कह रहा हूं, कि जैसी आपकी लाइफ है एग्जैक्ट वैसी ही मेरी लाइफ है। बस फर्क क्या है कि अगर मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं उसको डीपली समझता हूँ और उसके सॉल्यूशन पे फोकस करता हूँ, बस इतना सा फर्क है। और कुछ लोग होते हैं वो प्रॉब्लम में ही अटके रह जाते हैं, बस मैं प्रॉब्लम के साथ साथ उसके सॉल्यूशंस पर ध्यान देता हूँ कि ठीक है अब जो हो गया हो गया, अब दिमाग लगाते हैं कि अब करना क्या है। तो इस वजह से मैं उस प्रॉब्लम से थोड़ा जल्दी बाहर आ जाता हूँ। मान लो कोई और है, उसको उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने में 10 दिन लगेंगे तो मुझे 1 दिन लगता है, 2 दिन लगते हैं, लेकिन टाइम मुझे भी लगता है। तो दैट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन, कि क्या सिचुएशन है उसके हिसाब से एक्ट किया जाता है।